देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। वसुंधरा गहलोत एक है और गहलोत ने वसुंधरा का बंगला खाली नहीं कराया, विधेयक लेके आ गया कि मैं मैडम को यहाँ से जाने दूंगा, वसुंधरा तो मेरे घर के सामने ही रहनी चाहिए, बंगला अपने सामने रखा। किसानों का आशीर्वाद से बनी आरएलपी जिसका चुनाव चिन्ह बोतल है वो कर कर जानी जानी और खेजरी और बबुल के पेड़ पे भी बच्चों ने लगा दी झंडी, और जिधर कांग्रेस बीजेपी के नेता निकलते और झंडी देखते ही उनकी तबीयत खराब होती है। उम्मीदवार नहीं उतारे, अगर 150 उम्मीदवार उतारता 25 विधायक बनते, सत्ता का रिमोट कंट्रोल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। हमारे किसानों के नेताओं ने हमेशा कौम को धोखा दिया, खुद को भी धोखा दिया, न तो नंबर वन पे खुद आए और न किसी दूसरे को आने दिया। पिछले 70 साल तक जिन जातियों की संख्या राजस्थान के अंदर नहीं थी वो भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने। जब 36 कौम के नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चयन करेंगे, उस पार्टी के झंडे के नीचे चुनाव लड़ेंगे और भाइयों उसी दिन पूरी आजादी आपको मिलेगी। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिला सकते मोजी बुजुर्गो, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, बाड़मेर के अंदर जो उत्साह देख रहा हूँ उसे देख के लग रहा है कि मिशन 2023 पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। और बाड़मेर से इस बार आंधी नहीं चलेगी, बाड़मेर से तूफान चलेगा और जयपुर जाते जाते सुनामी बन जाएगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पता भी लगेगा, कोई पेड़ों पर अटकी मिलेगी और कहीं दूर जाके गिरेगी राजस्थान। भाइयों, जो ऊर्जा समर्थन आपने मुझे हमेशा दिया, मुझे अच्छी तरह याद है जब बाड़मेर के अंदर उकार भरी थी, मैं प्रत्येक गांव गांव आया था और आपने लाखों लाख की तादाद के अंदर समर्थन देके दिल्ली की सियासत के अंदर भूचाल ला दिया। दिल्ली में कहने लगे आखिर क्या चाहता हनुमान बेनीवाल, क्यों भर रहा हूं उकार, राजस्थान का जवान क्या, किसान क्या चाहता है। भाइयों, बाड़मेर से बीकानेर, सीकर और जयपुर के अंदर जब आरएलपी का गठन किया तब भी आप बाड़मेर और अंतिम छोर से लाखों की संख्या में जयपुर पहुंचे और पहली बार राजस्थान के इतिहास के अंदर किसानों ने अपने खुद की पार्टी आरएलपी का गठन किया जयपुर की धरती पर। आरएलपी के गठन के बाद भाइयों लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा में बाड़मेर के अंदर आपने अच्छे वोट डाले, रिजल्ट उम्मीद के अनुसार थोड़े बहुत वोटों का मार्जिन रहा, सारी टिकटें बांट नहीं पाए। बाड़मेर के एक दो नेता थे जो हमसे बात कर रहे थे लेकिन एन वक्त में पलटी मार के रजाई ओढ़ के सो गए, जिसकी वजह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को नुकसान हुआ। भाइयों, करीब 25 से 30 सीटें राजस्थान के अंदर मैंने आप लोगों के कड़े से, भाइयों के कड़े से उम्मीदवार नहीं उतारे, अगर 150 उम्मीदवार उतारता 25 विधायक बनते, सत्ता का रिमोट कंट्रोल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हाथ में होता। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे किसानों के नेताओं ने हमेशा कौम को धोखा दिया, खुद को भी धोखा दिया, न तो नंबर वन पे खुद आए और न किसी दूसरे को आने दिया। पिछले 70 साल तक जिन जातियों की संख्या राजस्थान के अंदर नहीं थी वो भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने। भाइयों, एक ही पन ले लो कि 23 के अंदर राज को छीनना है, मांगने से सत्ता कोई नहीं देगा, उठो राजधानी की तरफ कूच करो और सिंहासन पे कब्जा कर लो। आपका भाई आपको आपकी ताकत याद दिलाने के लिए दूसरी बार बाड़मेर की धरती पे पंचायत चुनाव के अंदर आया। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की पहली पार्टी है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देके तमाम राजस्थान के 18-19 जिलों के अंदर जो पहला चरण का 21 जिलों का चुनाव है अपने उम्मीदवार उतारे मंडल और जिला परिषदों के अंदर, और पहली बार लगा कि राजस्थान के अंदर चुनाव का मजा आ रहा है। कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी एक नई ताकत, नौजवानों की ऊर्जा और किसानों का आशीर्वाद से बनी आरएलपी जिसका चुनाव चिन्ह बोतल है वो कर कर जानी जानी
और खेजरी और बबुल के पेड़ पे भी बच्चों ने लगा दी झंडी, और जिधर कांग्रेस बीजेपी के नेता निकलते हैं और झंडी देखते ही उनकी तबीयत खराब होती है और ये बार बार रुक के वो परेशान होते हैं कि झंडी कैसे लगी थी। ये तो किसी को समझ में नहीं आया कि राजस्थान के अंदर ये बदलाव की जो शुरुआत करी जिस तरह तात्या टोपे ने 1857 के अंदर आजादी की क्रांति का बिगुल बजाया, देश के नौजवान आजाद हिंदुस्तान कराने के लिए निकल पड़े, उसी तरह राजस्थान की व्यवस्था परिवर्तन के लिए हनुमान बेनीवाल आपके भाई के आह्वान पर राजस्थान का जवान और किसान सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी निभाने के लिए चल पड़ा है। भाइयों, पंचायत चुनाव के परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि जितनी सीटों पर एलपी चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस और भाजपा लड़ रही है, मत प्रतिशत निकाल के देख लेना, आरएलपी को एक नंबर पे वोट मिलेगा राजस्थान के अंदर मत प्रतिशत के हिसाब से। हमारे कई फार्म खारिज करा दिए सत्ता पक्ष के लोगों ने, नई शुरुआत थी, प्रयास कर रहे थे। जब मैं विधानसभा चुनाव के अंदर बोतल का चिन्ह मिला, तीन विधायक जीते जिसमें दो शेड्यूल कास्ट के भाई पुखराज जी और मेड़ता की इंदिरा मावरी को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर ले गया, बसपा एक भी दलित विधायक नहीं जीता पाई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दो दलित के बेटे और बेटी को राजस्थान की विधानसभा दिखाई। भाइयों, इस पंचायत चुनाव के अंदर जमीन तैयार करनी है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, हिम्मत मत हारना, क्योंकि हनुमान हिम्मत नहीं हारेगा। दोनों दलों के अंदर आपके जोश से इतना खौफ पैदा हो गया कि 23 के अंदर कांग्रेस बीजेपी की टिकट लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि टिकट ले या नहीं ले। जवानों और किसान तो आरएसपी की तरफ जाना राजस्थान है, और माताओं बहनों का जो सैलाब उमड़ रहा है, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहे हैं और माताएं बहने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका के अंदर चल रही है, और जिस तरह झांसी की रानी ने अंग्रेजों को भगाया उसी तरह ये भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस को इन दोनों पार्टियों को राजस्थान से भगा देगी, ऐसा आपका जोश देख के लग रहा है। भाइयों, बोतल का चिन्ह लाया, उसके बाद लोकसभा का जब चुनाव लड़ा, वसुंधराव ज्योति मिर्जा को बोतल पसंद आ गई, मेरी बोतल चुरा ली और मैं टायर पे बैठ के दिल्ली गया, टायर से दिल्ली गया। लेकिन जैसे मैं दिल्ली गया बोतल छीन के वापस आया, और आपको मैंने वादा किया था कि ये पानी की बोतल है, वसुंधरा एक बार चुरा जरूर लेगी, लेकिन फिर जैसे ही पानी देखेगी उसको दारू नहीं दिखेगा इसके अंदर तो वो परेशान हो जाएगी। और ये पानी की बोतल आपके भाई की है, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, और विश्वास दिलाता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर धरती पुत्रों का कब्जा होगा, तब न तो बिजली की दिक्कत होगी, न पानी की दिक्कत होगी, फ्री बिजली होगी, टोल मुक्त होंगे, कर्जा माफ होगा, कानून का राज होगा। मजा ले, हमारी बहन बेटियां रात को सड़क पे निकले कोई सामने आंख उठा के भी देख ले, कानून का इतना भय राजस्थान के अंदर होगा। भाई, वो तैयारी कर लो, कांग्रेस और भाजपा एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, वसुंधरा गहलोत एक है, और गहलोत ने वसुंधरा का बंगला खाली नहीं कराया, विधेयक लेके आ गया कि मैं मैडम को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, वसुंधरा तो मेरे घर के सामने ही रहनी चाहिए, बंगला अपने सामने रखा दिया। गुलाब जोड़ी का खेल है, बंगला दे दिया, 20 विधायक ले लिए बदले में, उसके भ्रष्टाचार पे गहलोत पर्दा डाल रहा है और गहलोत के भ्रष्टाचार पे वसुंधरा ने पर्दा डाला। बाड़मेर के अंदर हमारी रिफाइनरी, पेट्रोलियम का उत्पादन, तेल गैस कोयले का थाक भंडार है, लेकिन यहाँ के जवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ विकास सही है। मैं देख रहा हूँ बीच की सड़कें कि कंपनियां इतना काम कर रही है, लेकिन विकास के नाम पे बाड़मेर के अंदर सीएसआर फंड का एक भी रुपया खर्च नहीं कर रही है। भाइयों, विश्वास दिलाता हूँ कि नर्मदा नहर का पानी प्रत्येक खेत के बाड़मेर के अंदर पहुंचे, सीएसआर का पैसा यहाँ गांव गांव के अंदर जाए, और 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी कर लो, एक दिन में आ जाऊंगा, 20-30-50 हजार लोग इन कंपनियों को घेर के बैठ जाएंगे, जब तक कि कमिटमेंट नहीं हो जाता तब तक वहां से उठेंगे नहीं। और मैं दिल्ली में भी कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली की सरकार ऐसा कानून लाए कि जिस इलाके के अंदर
जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण करके कोई उद्योग धंधे लगते वो 80% रोजगार और हिस्सेदारी उसी इलाके के किसानों की होनी चाहिए, उसी इलाके के लोगों की हिस्सेदारी उसके अंदर होनी चाहिए। भाइयों, बाड़मेर से मेरा बहुत बड़ा लगाव है और कई लोगों को तकलीफ भी है। मैं जैसे ही बाड़मेर रहता हूँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उसका इलाज मेरे पास नहीं। मैं तो मेरे भाइयों को रास्ता दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं कोई गहलोत और वसुंधरा की जय जयकार नहीं करवा रहा हूँ, मैं तो वीर तेजाजी का जयकारा बुलवाता हूँ और किसान कौम की जय बुलवाता हूँ। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ इस लोकसभा के अंदर आपके लिए संघर्ष की शुरुआत की आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के अंदर तेजाजी महाराज को याद किया और लखनऊ तक इस जयकारे को ले गया और इस जयकारे की करामात है कि आप लोग एक छत के नीचे आ गए, एक झंडे के नीचे आ गए। धौलपुर से बाड़मेर और गंगानगर से डूंगरपुर किसान के बेटे संतित हो गए। जाटों के साथ गुजर मीणे मेघवाल 36 कौम के लोग मेरे भाई यादव और आज जिस तरह हमारे राजपूत नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की जोधपुर के अंदर, वो दिन दूर नहीं जब 36 कौम के नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चयन करेंगे, उस पार्टी के झंडे के नीचे चुनाव लड़ेंगे और भाइयों उसी दिन पूरी आज़ादी आपको मिलेगी। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरा जीवन आपके लिए, मंत्री पदों को 4 बार राजस्थान के अंदर ठोकर मारी, 2 बार दिल्ली में मंत्री पद ठुकराए, अब की बार मोदी जी जो किसान विरोधी बिल लेके आए, मैंने कहा यह तो बिल वापिस ले लो, ये हनुमान के रास्ते आपसे अलग होंगे, हनुमान बेनीवाल किसान कौम के साथ खड़ा है। भाइयों, 6 बार मंत्री पद ठुकराना और ठोकर भी ऐसे मारी जैसे छोटा बच्चा बोल के किक मारता है, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने मंत्री पदों के किक मारे राजस्थान के अंदर और दिल्ली के अंदर, और यह उसी का परिणाम है कि आप दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बाड़मेर की धरती पे विकास कराएंगे, नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। पंचायत चुनाव से जमीन तैयार करो, पंचायत चुनाव के अंदर जहाँ टिकटें नहीं बनती वहाँ तो अपन वोट कहाँ से डालेंगे, जब चिन्ह नहीं आएगा बोतल का, लेकिन जहाँ जहाँ बोतल दिखती है आपको मंडल और जिला परिषद के उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर बटन दबा दो और इतनी बार बटन दबाओ कि बाड़मेर में सबसे ज्यादा मशीनें खराब हो जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है और मैसेज दिल्ली तक जाए। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।